आदरणीय पत्रकार बंधु, आज डोगरा सदर सभा की तरफ से फिर आपके साथ रूबरू होने का चांस मिला है। मसला है कि जो हालात इस वक्त पूरे जम्मू सूबा के बन गए, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बन गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जम्मू प्रोविंस पूरी तरह से निराश हो, और इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो कि पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या है। अब जो मछेड़ी में हुआ, लुआई मलार में, या बाकी रियासी में हुआ, पूंछ में हुआ, रजौरी में हुआ, और ये घटनाएं जो एक दूसरे के बाद घटती जा रही हैं, ये बहुत खतरनाक इंडिकेशन है एक आने वाले वक्त। अभी इलेक्शन की तैयारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से अगर ये चाल चली जा रही है तो वो क्यों कामयाब हो रहा है। हमें इस बात का दुख हो रहा है, जिस स्टेट को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून दिया और हजारों की तादाद में उन बर्फानी पहाड़ों में जिनकी हड्डियां आज भी हैं, आज उनकी इस गजब की रियासत को बनाए हुए यूपी बनाने के बाद तो यहाँ हालात ठीक होंगे कहा भी जा रहा था, जम्मू पर क्या आफत आ गई। एक बात मैं क्लियरली डोगरा सदर सभा की तरफ से कहना चाहता हूँ, जो हमारे सब साथी हैं, मेरे साथ कर्नल जम्वाल साहब बैठे हैं, प्रेम सार गुप्ता जी बैठे हैं, गंभीर बैठे हैं, कि एक बात बड़ी क्लियर हम सुनना चाहते हैं कि भाई बड़ी देर से पाकिस्तान इस ताक पर था कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त फोर्स है जिसका मुकाबला करना मुश्किल है, उसको जो लड़ाइयों में जंगी हुई उसमें कुछ नहीं बिगाड़ सका जम्मू का, इनको कैसे तोड़ा जाए। तो हम बड़ी देर से डोगरा संस्थान की तरफ से कह रहे हैं कि साजिश पाकिस्तान की तरफ से चली और कामयाब होता जा रहा है। कैसे? अघोषित युद्ध उसने छेड़ रखा है, उसने यहाँ पर करोड़ों की तादाद में यहाँ पर कई किस्म की ड्रग्स भेज दी हैं जम्मू सूबे के नौजवान को तबाह करने के लिए। हम बड़ी देर से चिल्ला रहे हैं, अफसोस की बात है कि ये कहाँ का हमारी गवर्नमेंट चल रही है, क्या कर रही है, हमें इसका दुख हो रहा है। और हम चिल्ला रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ इसलिए है कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको नहीं मिलती। जब 96 से 97 पहले हालात इतने दर्दनाक हो गए थे, जम्मू उस वक्त भी पीसफुल था, कश्मीर के अंदर बुरी हालत हो गई थी, तो हमने कहा था कि ग्रास रूट पर अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाओ, और उसके लिए इनके पास दो ही बड़े इंस्ट्रूमेंट। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क का अगर कोई स्टैंड करता है तो वो ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन पर करता है, लोग उनके थ्रू खबर आपको पहुंचाते हैं। ये बेचारे आर्मी के हमारे नौजवान जो हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, इनको कहाँ बातचीत कर। इसलिए अब देखिए जो लुआई मलार में हुआ, कैसी दर्दनाक मौत हुई हमारे नौजवान, कैसे घेर के मारा उन्होंने और 3 आदमी उन्हें मारा। हमें अफसोस, हमें तकलीफ इस बात की हो रही है, जिन डोगरों ने 100 डोगरों ने 6,000 पाकिस्तानियों को रोका कश्मीर के ऊपर, जिनको ब्रिगेडियर अहमद को सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, अब उन पर यह कलंक लग रहा है कि भाई उनके इलाकों के अंदर आकर पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। तो आज सभा की तरफ से हम गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं, आंखें खोलो, अपना नेटवर्क तेज करो, और आपका नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट पर इंफॉर्मेशन देने वाला ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन है, इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वो आपको खबरें देंगे, वो आपकी जान पर खेल जाएंगे। विलीसीज को मजबूत करो और लोगों को कॉन्फिडेंस में लो, क्योंकि जब गवर्नर रूल होता है लोग कट ऑफ हो गए होते हैं, सरकार के और लोगों के बीच की कोई कड़ी नहीं होती जो उनको जोड़ के रखे। इसलिए आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, असेंबली से लेकर नीचे ग्रास रूट तक। और नंबरदार चौकीदार जो जब इलेक्शन नहीं होती थी तब भी आपको वो खबरें देता था, आपके आंखें कान बन के काम करता था, उनको आपने उनको भी सस्पेंड कर दिया, सैकड़ों की तादाद में आपने सस्पेंड कर दिए अलग अलग जिलों के अंदर। आज पुंछ जा रहा है, रजौरी जिसके अंदर हमने 21 लड़के मेन स्ट्रीम में लाए, किसी के जेलों से निकलवाए, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर पहुंचे, और दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई, किस तरीके से पुंछ रजौरी के हालात ठीक किए। यहाँ पाकिस्तान बड़ी खतरनाक खेल खेल रहा था, नौजवानों को स्प्रेड कर रहा था, नौजवानों ने 47 ले ली, लेकिन
वो उस वक्त रोड प्ले किया, ग्रास रूट तक पहुंचे और तब जाकर इलेक्शन हुई थी।